मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सन ने मेरे दो मून्स को सोलर सिस्टम से बेदखल कर दिया। मुझे भी नहीं। तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की जुपिटर? मैं मदद करना चाहता था लेकिन। क्या आपने कभी कोई ऐसी गलती की है जिस पर आपको आज भी पछतावा होता है? मैंने खुद भी तो गलतियाँ की हैं। देखो ये अतीत की बातें हैं, तुम उन सबको भूल जाओ। हाँ पर भूल नहीं पा रहा। ओह लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया जुपिटर। क्या तुम ठीक हो? हाँ यूरोपा, अब क्या ही बोलूं? अरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? यूरोपा हमें सोलर सिस्टम से बेदखल कर दिया गया है, हम वापस नहीं जा सकते और जुपिटर हमारे प्लैनेट ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। गैनेमेड, वो जुपिटर शायद। क्या शायद क्या? बोलो बोलो ना क्या। मुझे बीच में टोकना बंद करो। चलो बोलो सीधा जवाब दो। अब मैं नहीं जवाब देना चाहती। तुम्हें पता है कि तुम सुनाना चाहती हो तो प्लीज बोलो। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो आखिरकार तुम उस वक्त क्या सोच रहे थे? सन से ऐसे बात करने की हिम्मत, उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती, तुम एकदम पागल हो चुके हो। वो इसी के लायक है। वो सन है सन। वो हमसे कई हजार गुना बड़ा है तो वो जो चाहे वो करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तुमसे 18.5 मिलियन गुना बड़े हैं, समझे ना गैनीमीड? क्या सच में? वॉल्यूम के मामले में तो ऐसा ही है। खैर छोड़ो, अब हम दोनों ऐसे आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? मुझे क्या पता। अरे तुम आखिर तुम हो कौन, बताओ। माकी माकी, हेलो, मैं एक ड्वार्फ प्लैनेट हूँ। ओह तो प्लूटो और चारुन तो तुम्हारे दोस्त होंगे। सही कहा, चलो तुम्हें उनके पास ले चलो। एक मिनट, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इस वीडियो को रोक दिया है। वीनस ज्वाइन पेट्रियन वरना गुस्सा आ जाएगा। अरे नहीं वीनस, चलो मैं ही बताता हूँ। सोलर बॉल्स की टीम में बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, जिनमें डायरेक्टर्स, एनिमेटर्स, वॉइस एक्टर्स शामिल हैं, जो दुनिया के अलग अलग कोने से हैं। और आप मानो या न मानो, ये सब काफी मेहनत का काम है, समझ गए ना? ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और नए कैरेक्टर शामिल करने के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, इसलिए सपोर्ट करो। मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन हाँ, जब से हम पेट्रियन पर आए हैं, हमने शॉर्ट वीडियोस की बजाय मून्स की क्रांति जैसी शानदार लॉन्ग सीरीज बनाई, और सच कहें तो आपकी सपोर्ट से हम ऐसे ही शानदार आइडियाज को हकीकत में बदलते रहेंगे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। देखना चाहते हैं हमारे वीडियोस एक हफ्ता पहले, या चाहिए गिफ्ट्स, या पेट्रियन एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टर भी बन सकते हैं, तो आप हमारे पेट्रियन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इससे ज्यादा प्यार नहीं बांट सकता। बस इतना ही काफी है, चलो अब वीडियो पर वापस चलते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, तुमने प्लैनेट्स की अगुवाही काफी अच्छे से की। थैंक यू। खैर इस जीत पे भी हार है, बेचारा जुपिटर। बेचारा जुपिटर, उसके पास कई सारे मून्स हैं। वीनस तुम बुरा मत मानना, तुम्हारा खुद का कोई मून नहीं है इसलिए तुम नहीं समझ पाओगे। ओए, जबान संभाल के अर्थ। कहा था ना बुरा मत मानना। तुम क्या सोच रहे हो मार्स? पता नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं हमसे। अच्छा तो अब मेरी बारी है। ये लो, ये आया एक, ये क्या दो? कोई बात नहीं प्लूटो, फिर अचानक से सर प्लूटोन पर हमला हो गया। यो या, एक मिनट, तुम वही मून्स हो ना जिन्होंने क्रांति की अगुवाई की थी? हाँ, और तुम वो ड्वार्फ प्लैनेट हो जिसने उस क्रांति में मून्स को हमारे खिलाफ किया था। एक मिनट, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? तुम बदला लेने आए हो? हाँ, काश, दरअसल हमें सोलर सिस्टम से बेदखल कर दिया गया है। हाँ, सच में हम सोलर सिस्टम के मुकदमे से यहाँ आ रहे हैं। ये हमारा ही आइडिया था, और देखा जाए तो फैसला सभी के हक में सुनाया गया, हम दोनों को छोड़कर। वाह, अब तुम दोनों मून्स को इस सोलर सिस्टम में भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ओ, मैं अपने अगले कैंपेन के लिए तुम्हें विलन्स की तरह यूज करूंगा। हाँ ठीक है, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, नहीं तो सन हम पर सोलर फ्लेयर्स फेंकेगा। रुको। नहीं, हमें तुम्हारे बौनों की टोली में शामिल नहीं होना। अरे मेरी बात तो सुनो, क्योंकि अब तुम इस सोलर सिस्टम को छोड़कर जा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रिसर्च में मेरी हेल्प करो। रिसर्च?
देखो हमारे पास टाइम नहीं है, समझे? सुन तो लो, ये बहुत पहले गायब हो चुके प्लैनेट के बारे में। एक मिनट, क्या? दरअसल एक थ्योरी है, ज्यादातर इसके बारे में नहीं जानते और ये गलत भी हो सकती है। फिर भी ये माना जाता है कि काइपर बेल्ट से काफी दूर हमारे सोलर सिस्टम में एक सीक्रेट प्लैनेट है और हम उसे कहते हैं प्लैनेट एक्स। क्या मजाक कर रहे हो, एक और प्लैनेट? ऐसा वैसा प्लैनेट नहीं, एक बहुत ही बड़ा प्लैनेट, शायद नेपट्यून या यूरेनस जितना बड़ा। क्या, इतने बड़े प्लैनेट को अब तक सबने नजरअंदाज कैसे कर दिया, समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? पृथ्वी वासियों को नेपट्यून के बारे में कैसे पता चला? क्या पता? पता है 19वीं शताब्दी में ये माना जाता था कि यूरेनस इस सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है, लेकिन फिर स्पेस एनोमली ने संकेत दिया कि शायद यूरेनस के परे भी एक प्लैनेट है, और पता है ये बात सच साबित हुई। स्पेस एनोमली, ग्रेविटी। सबसे स्ट्रेंज एनोमली तो वही है, काइपर बेल्ट में मौजूद कई ऑब्जेक्ट्स के कई ऑर्बिट पर एक विशाल ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा था, फिर कुछ कैलकुलेशन से पता चला कि ये ग्रेविटी कहाँ से आ रही थी, और फिर पलक झपकते ही उन्होंने नेपट्यून की लोकेशन का पता लगा लिया। अच्छा, इसका तुम्हारी थ्योरी से क्या लेना देना है? रुको, तुम्हारा कहने का मतलब? बिल्कुल चारिन, हम पर जिस ग्रेविटी का प्रभाव पड़ रहा है शायद वो प्लैनेट एक्स से ही आ रही है। तुम चाहते हो कि हम उस प्लैनेट एक्स को ढूंढें? अरे हाँ, क्यों नहीं, ढूंढो ना प्लीज। तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं ढूंढते? उफ, काइपर बेल्ट से बाहर जाना हमसे ना हो पाएगा। अगर हम सन की ग्रेविटी से बाहर हो गए तो हम भी कई चीजों की तरह हमेशा के लिए स्पेस में भटकते रहेंगे, पता है? लेकिन तुम दोनों को तो सोलर सिस्टम से बेदखल कर दिया गया है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या बोलती हो यूरोपा? चलो ये करते हैं। एक मिनट, क्या? क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। इसमें हमारा क्या फायदा है? देखो, याद है ना एक बार जुपिटर ने कहा था कि वो अपने किसी अतीत को लेके चिंतित है कि कहीं वो वापस ना आ जाए। प्लैनेट एक्स, जुपिटर, सच में? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? बताओ हमें कहाँ जाना है। हे जुपिटर, सब ठीक तो है ना? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? हाँ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो मार्स। सच कहूँ तो हम सब आपकी इज्जत करते हैं, वो भी दिल से। आप समझदार हैं, हमेशा से आपने हम सब की मदद की है, आप हम सब के रोल मॉडल हैं। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं, बताइए ना। बस ऐसे ही। जुपिटर, मुझे बताइए क्या चल रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरा अतीत मेरे सामने आने वाला है। क्या कहा? आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, मुझे लगता है कि टाइम आ गया है मैं तुम सबको बता दूं। उदास हो क्योंकि तुम्हारे पास मून्स नहीं है? नहीं, मैं तुमसे बात करनी है जुपिटर। अपने आप को संभालो दोस्त। मैं क्या करूं सैटर्न, मुझे ये बात सता रही है। तुम्हारी बात कोई नहीं समझ पाएगा, समझे? याद नहीं पहले चीजें कैसी हुआ करती थी? मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं गैनीमीड और यूरोपा की हेल्प कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है। सोचो सन ने रॉकी प्लैनेट्स पर हमला करने वाले मून्स का क्या हाल किया होगा, उसे पता चला कि ये तुमने किया है तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेगा। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। काश मैं अपने मून्स की हेल्प कर पाऊं, पता नहीं बेचारे किस हालत में होंगे। तो हम पहुंच गए, ये काइपर बेल्ट का आखिरी किनारा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, स्पेस में ऐसा ही होता है। मेरा मतलब, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम उस प्लैनेट एक्स को ढूंढ पाएंगे? क्या वो सच में है भी? मुझे नहीं लगता कि हमें आगे जाना होगा। क्या? क्योंकि मैंने उसकी ग्रेविटी को महसूस करना शुरू कर दिया है। ओ, सुनकर ही मजा आ गया। चलो जाओ, गुड लक, उम्मीद है तुम दोनों बच पाओगे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मुझे भी माफ कर देना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन मैं चुप रहता तो ये सब नहीं होता। मैं उस सन को सबक सिखाती और जवाब देती। हम एक टीम में हैं गैनीमीड, बुरा हो या भला हम साथ हैं। असली टीम का मतलब यही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों, और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।